हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी अपनी रसोई एंड लाइफस्टाइल जोन। आज की मेरी रेसिपी का नाम है बैंगन के क्रिस्पी पकोड़े। बैंगन के क्रिस्पी पकोड़े बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। साथ ही साथ इसके इंग्रेडिएंट्स भी हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बैंगन के पकौड़े बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज के बैंगन लिए हैं, जिसको कि मैंने इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। एक बाउल बेसन लेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच लेंगे या आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, आधी चम्मच आमचूर पाउडर लेंगे, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला लेंगे, आधा चम्मच नमक लेंगे या नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, ऑयल लेंगे पकौड़े तलने के लिए और ये पानी अपनी जरूरत के अनुसार लेंगे। बैंगन के पकौड़े बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया और इस बाउल में सारा बेसन निकाल लेंगे। हमने इसमें ये सारा बेसन निकाल लिया। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, गरम मसाला डाल देंगे, अब ये नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, अब इसमें हम ये आमचूर पाउडर डाल देंगे। हमने ये सारे मसाले इसमें डाल लिए, अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। पहले देखिए मसाले हमने अच्छे से मिला दिए हैं, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। बहुत पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बराबर से इसको ऐसे मिलाते रहेंगे। देखिए इसको हमने बराबर से ऐसे चलाते हुए पानी डाला है तो ये हमारा इस तरह से बैटर बनके तैयार हो गया और इसमें लम्स भी नहीं पड़े हैं। अगर आप बराबर चलाते रहेंगे तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। देखिए हमारा बैटर बनके तैयार हो गया। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और तब तक हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई में ऑयल डाल के ऑयल को गर्म करेंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, अब ये बैटर तैयार है बनाने के लिए। अब इसमें हम बैंगन डाल देंगे, जो हमने बैंगन काटा है इसमें 4-5 ऐसे डाल लेंगे। देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और अब इसमें हम ये एक एक करके बेसन में लपटे हुए बैंगन डाल देंगे। देखिए हमने इस तरह से इसमें डाल दिया है, अभी इसको नहीं चलाएंगे, अभी जो एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से निकाल देंगे ये सब। देखिए आंच को हम तेज नहीं करेंगे, आंच को धीमा ही रखेंगे और इस तरह से देखिए हमने अब इसको हम पलट लेंगे। जब देखेंगे इसका थोड़ा पक गया है तो हम इस तरह से पलट लेंगे और धीमी आंच पे पकाएंगे तो बैंगन भी अच्छे से पक जाएगा। बैंगन तो वैसे भी पक जाएगा जल्दी, क्योंकि बैंगन तो वैसे भी आपका हल्की भाप में भी पक जाता है। देखिए हम इसको धीमी आंच में पकाएंगे और धीमी आंच में पकाते हुए इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसको निकालेंगे और ये गरम गरम खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए इस तरह से जो पक रहा है उसको हम ऐसे पलटते जाएंगे। ये पकौड़े पक गए हैं, अब इसको हम प्लेट पे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। देखिए बैंगन के क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। इसको आप चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक के साथ खाइए या सुबह या शाम के नाश्ते में खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसको मैंने टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। टमाटर की चटनी में मैंने टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को मिलाकर पीसा है। आप चाहे तो इसको टोमेटो सॉस या चिली सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोगों ने देखा आज हमने बैंगन के क्रिस्पी पकौड़े कितने आसान तरीके से बनाए और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, साथ ही ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और ये बच्चे बड़ों सबको बहुत ही पसंद आते हैं। आप भी इसको अपने घर पर जरूर बनाइएगा।
अगर हमेशा की तरह मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि मेरे नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।